1 अक्टूबर 2022 को भिवंडी महानगर पालिका में कार्यरत सफाई महिला कर्मचारी की अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर उसके ही घर में घुसकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी पश्चिम के एसीपी सुनील वड़के अपनी पूरी टीम घटनास्थल पर लेकर पहुंचे। उसके बाद इलाके का बारीकी से मुआयना किया और हर एंगल से इस हत्या की जांच में जुट गए थे। वहीं दूसरी तरफ इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में भिवंडी क्राइम ब्रांच 2 की यूनिट की टीम भी जुट गई थी। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सचिन गायकवाड़ ने बताया कि हमारी टीम ने कनेरी इलाके के तकरीबन 75 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और हमने इलाके के 5 सीसीटीवी फुटेज को जो कि 500 मीटर के दायरे में बारीकी से जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब ये घटना घटी उस वक्त एक शख्स इस पांचों ही कैमरे में नजर आया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों ने अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट किया और इस शख्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों को अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए यह लीड मिली कि यह शख्स 19 साल का है, जिसका नाम मोनिश दिलीप जाधव, जो कि भिवंडी के ग्रामीण इलाके आन गांव का रहने वाला है। मोनिश दिलीप जाधव कई साल तक कनेरी इलाके में ही रहा करता था और यह भी प्राइवेट ठेके पर महानगर पालिका में सफाई कर्मी का काम कर चुका था, लेकिन कुछ साल पहले से यह भिवंडी के ग्रामीण इलाके आन गांव में शिफ्ट हो गया था। फिर क्या था, क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों को जैसे ही मोनिश दिलीप जाधव के बारे में पता चला तो उसे तुरंत उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से बताना शुरू कर दिया। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सचिन जाधव ने बताया कि उनकी टीम ने हर एंगल से बारीकी से जांच की। आखिर हत्या का उद्देश्य क्या था, सिर्फ चोरी ही थी या कुछ और भी था? लेकिन जब मोनिश दिलीप जाधव से शक्ति से पूछताछ शुरू की गई तो उसने बताया कि चोरी के उद्देश्य से वह घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा था और घर में रखा लोहे का कबाड़, बैग और सूटकेस को तोड़कर कीमती सामान चुरा ही रहा था कि तभी सविता के घर में घुसने की आहट सुनकर वह छुप गया। लेकिन शायद कविता को यह आभास हो चुका था कि घर में कोई छुपा है। वह घर के बाहर की तरफ शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाने ही वाली थी कि तभी मोनिश दिलीप जाधव को अपना राज खुलने का डर सताने लगा और उसने अपने साथ लाए चाकू से सविता पर सपा सप 3 वार कर वहां से भाग खड़ा हुआ। लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल सविता को पड़ोसियों ने रिक्शे में डालकर भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सविता ने दम तोड़ दिया था। फिलहाल क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की ने मोनिश दिलीप जाधव को गिरफ्तार कर उसे शहर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया है, जहां पर इस हत्या का मामला दर्ज था। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।